Good morning, class. Today I will explain you the poem. Okay? Poem, The Field Mouse. Chapter 1 and 2 is completed. ठीक है, हमारा chapter 1 और 2 complete हो गया. आज जो आपको समझना है, that is the poem. ठीक है? Poem, The Field Mouse. यानी वो माउस जो फील्ड में पाए जाते हैं. ठीक है, फील्ड माउस कौन है? द माउस दैट आर फाउंड इन फील्ड. ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं. व्हेन द एकॉर्न टमल्स डाउन. ठीक है, एकॉर्न क्या होता है? देखिए, ओक ट्री, ओक का जो वृक्ष होता है, ओक ट्री, तो उसके फ्रूट जब नीचे गिरते हैं. ठीक है, व्हेन द एकॉर्न टम्बल्स डाउन, वेयर द एश ट्री सेट्स इट्स बेरी. ठीक है, और जो ट्रीज हैं, ठीक है, ओक ट्री से जो फ्रूट है वो नीचे गिरते हैं. शेड्स इट्स बेरी, मतलब वो नीचे की तरफ गिरते हैं. विद योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन, तो जो फील्ड माउस हैं, ठीक है, उनका जो फर है वो बहुत सॉफ्ट और ब्राउन है. कैसा है? सॉफ्ट. और कलर उनका कैसा है? ब्राउन. सॉफ्ट एंड ब्राउन. विद योर आईज सो राउंड एंड मेरी, और जो ये फील्ड माउस है इनकी आईज कैसी है? राउंड एंड मेरी, उनमें एक खुशी दिख रही है उनमें. ठीक है, खुशी की झलक है. राउंड एंड मेरी. ओके, स्कैर्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास, ये जो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है उनके बीच से जाते हुए ये फील्ड माउस, आई कैन सी यू पास. ठीक है, वो कहाँ से इनको पास करते हुए देखते हैं, कहाँ से गुजरते हैं ये उस बड़ी बड़ी घास से, जो बड़ी बड़ी ग्रासेस लगी हुई उनसे गुजरते हुए उस फील्ड में जाते हैं वो. ठीक है, वेयर द कॉर्न टम्बल्स डाउन, वेयर द एश ट्री सेट्स इट्स बेरी, और वहाँ ये फ्रूट्स खाते हैं. विद योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन, विद योर आईज सो राउंड एंड मेरी. ठीक है, इनकी जो आईज है ये राउंड एंड मेरी, बहुत ही, चूहे की आँख कैसी होती है? गोल गोल होती है, राउंड एंड मेरी. ठीक है, फील्ड माउस आई कैन सी यू पास, तो यहाँ पे क्वेट करें कि फील्ड माउस मैं तुम्हें उन खेत खलियानों से होते हुए, ठीक है, गुजरता देख सकता हूँ. लिटिल थिंग इन व्हाट डार्कन. ठीक है, लिटिल थिंग यानी कि वो तुच्छ चीजें, लिटिल थिंग इन व्हाट डार्कन. ठीक है, वो जिन रास्तों से गुजरते, जिन गलियारों से गुजरते हैं, ठीक है, वहां बहुत घना अंधेरा है. ठीक है, डार्क डेन लाई यू ऑल द विंटर स्लीपिंग. ठीक है, और विंटर में क्या होता है, ये जो फील्ड माउस होते हैं अपने बिल में रहते हैं. जब विंटर सीजन खत्म होता है तो ये अपने जो बिल होता है उससे बाहर आते हैं. ठीक है, जो ये डेन बनाते हैं, जो अपना बिल होता है, अंधेरे में रह रहे होते हैं, लेकिन जब विंटर सीजन खत्म होता है तो ये बाहर आते हैं. टिल वार्म वेदर कम्स अगेन, कब तक नहीं बाहर आते हैं? जब तक वार्म वेदर यानी कि समर सीजन नहीं आता है. विंटर सीजन में विंटर सीजन में ये जो फील्ड माउस है ये अपने, ठीक है, जो इन्होंने होल अपना तैयार किया है, ठीक है, जो बिल बनाया उसी में रहते हैं, और जब समर सीजन आता है तभी उस डार्क डेन से बाहर आते हैं. देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग. ठीक है, फिर एक बार और इन्हें झांकते हुए देखते हैं. पीपिंग मीन्स झांकते हुए देखना. राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, किसके अंदर से ये बाहर की तरफ देखते हैं? जो टॉल ट्री है, टॉल ट्री किसको कहा गया है? ओक ट्री को. ओक का जो पेड़ होता है उसमें ये अपना बिल बना के रहते हैं. ठीक है, और उसी बिल से ये बाहर देखते हैं. राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, उसकी जड़ों में ही तो बिल बना के रहते हैं. निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट्स, और जो फल उससे गिरे होते हैं उसको देखते रहते हैं और उसे आके खाते हैं. ठीक है, ईटिंग विद स्मॉल क्विक बाइट्स. ठीक है, और जल्दी जल्दी, निबलिंग मतलब क्या होता है? बहुत ही जल्दी जल्दी उसको खा जाना छोटे छोटे पीसेस में. तो ये दो पैराग्राफ समझ में आया? ये दो पैराग्राफ एक बार और बता दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट टू पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे. वेयर द एकॉर्न टम्बल्स डाउन, वेयर द एश ट्री सेट्स इट्स बेरी, विद योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन, विद योर आई सो राउंड एंड मेरी, स्कार्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास, फील्ड माउस आई कैन सी यू पास. तो यहाँ पे पोएट जो है, जो सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर हैं, वो कहते हैं कि मैं फील्ड माउस को कहाँ से मूव करते हुए देख सकता हूँ? ओक ट्री में जहाँ ये रहते हैं, ठीक है, वहाँ जब उसकी फल गिरते हैं, ठीक है, इसकी बेरी गिरती हैं, विद योर फर सो सॉफ्ट एंड ब्राउन, तो ये किस तरह से मूव करते हैं बता रहे हैं.
अपने उस फर के साथ, ठीक है, जो इनके बॉडी पे फर है, ठीक है, सॉफ्ट एंड ब्राउन, उनका कलर क्या है, जो रोए हैं, फर मींस क्या, जो रोए हैं सॉफ्ट एंड ब्राउन विद योर आईज सो राउंड एंड मेरी, इनकी आंखें राउंड एंड मेरी हैं, स्कार्सली मूविंग द लॉन्ग ग्रास, और ये बड़ी बड़ी घासों से होते हुए गुजरते हैं, फील्ड माउस आई कैन सी यू पास, फील्ड माउस इनको, ओके आगे, तो लिटिल थिंग इन व्हाट डार्क डेन, अगर किसी को ना आया इसलिए दो बार एक्सप्लेन कर देना है, लिटिल थिंग इन व्हाट डार्क डेन, डार्क डेन मतलब क्या, ऐसे गलियारों से निकलते हैं जहां बहुत घना अंधेरा रहता है, ठीक है, रोशनी नहीं पहुंचती है जहां तक, लाइयो यानी कि ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, विंटर सीजन में कहां रहते हैं आपको उजाले में, दिन में कहीं भी घूमते नहीं दिखाएंगे, ये जो अपना रहने का स्थान बनाते हैं वो अंधेरे में, जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा, और डार्क डेन, लाइयो ऑल द विंटर स्लीपिंग, पूरे जाड़े ये सिर्फ सोते रहते हैं, क्या करते हैं पूरे विंटर ये स्लीपिंग, यानी दे लाई स्लीपिंग, लेटे रहते हैं और सोते रहते हैं, कब तक, ऐसा कब तक होता है, टिल वार्म वेदर कम्स अगेन, जब तक कि वार्म वेदर यानी समर सीजन फिर से नहीं आ जाता, देन वंस मोर आई सी यू पीपिंग, फिर जैसे ही वार्म सीजन आता है फिर इनको हम अपने बिल में से बाहर की तरफ झांकते देख सकते हैं, क्या देखते हैं ये, राउंड अबाउट द टॉल ट्री रूट्स, ये जो बड़ी बड़ी ओक ट्रीज हैं इनकी जो रूट्स हैं, ठीक है, उसमें जो इन्होंने राउंड राउंड जो ऐसे बिल बनाया है, ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो अपनी बुक में, तो उससे बाहर की तरफ देख रहे होते हैं, निबलिंग एट देयर फॉलन फ्रूट, उस फ्रूट को खाते हुए इनको देखा जा सकता है समर सीजन में, यानी ये अपने बिल से बाहर आके जो ओक ट्री से फ्रूट्स या बेरीज गिरी हुई हैं इनको ये स्मॉल पीसेस में करके खा रहे होते, चूहे कैसे खाते कोई भी चीज़ खुतुर के छोटे उसमें, ठीक है, तो स्मॉल पीसेस में इनको खाते हुए पाया जाता है, ये हमारे दो पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, नाउ विल कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ, फील्ड माउस डू नॉट गो वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर, यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पोएट फील्ड माउस से रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो ओक ट्री के पास सेफ है, वहां जो वो फ्रूट खा रहे हैं, जो बेरीज खा रहे हैं ओक ट्री से, जो बेरीज नीचे गिरी हैं उसको खा रहे हैं कहाँ, ठीक है, जहाँ पे खा रहे हैं वहां उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फील्ड माउस डू नॉट गो, ठीक है, अब यहाँ पे ये फील्ड माउस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि वहां ना जाना, कहाँ, वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर, जहाँ पे फार्मर ने अपने ट्रेजर को, अपने जो अनाज उन्होंने बोया उसको संग्रहित करके रखा है, स्टैक मतलब कि उसको स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो वहां पे नहीं जाना, क्यों, फाइंड द नट दैट फॉल्स बिलो, जो वहां पे फल गिरे हैं ओक ट्री के नीचे उन्हीं को खा के काम चला लेना, लेकिन वहां ना जाना जहाँ पे फार्मर ने अपने जो क्रॉप्स है उनको स्टोर करके रखा है, स्टैक करके रखा है, ईट द एकॉर्न एट योर प्लेस, तुम खुशी खुशी इन एकॉर्न के जो मतलब ये ओक ट्री से जो फ्रूट गिरे उनको खा के काम चला लेना, लेकिन वहां मत जाना जहाँ पे फार्मर ने अपने फ्रूट को स्टोर करके रखा है, अपने फूड को जो भी वो अनाज उगाते हैं उसको संग्रहित करके, फार्मर के लिए ट्रेजर क्या है, ट्रेजर मतलब होता है खजाना, ट्रेजर का जो मतलब होता है खजाना होता है, लेकिन एक किसान के लिए उसका अनाज क्या है, एक किसान के लिए जो उसका अनाज है दैट इज देयर क्रॉप्स, वो जो अनाज उगाते हैं, ठीक है, तो वही उनका खजाना है, फाइंड द नट दैट फॉल्स बिलो, जो पेड़ के नीचे फल गिरे हुए हैं ओक ट्री से उनको ही ढूंढना, ईट द एकॉर्न एट योर प्लेजर, और उनको खुशी खुशी खा लेना, ठीक है, उससे ज्यादा की इच्छा मत करना, बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन, लेकिन जो उन्होंने अनाज उगाया है किसने, किसान ने, ठीक है, फार्मर्स ने, उस अनाज को चोरी करने की कोशिश ना करना, चूहे क्या करते हैं, आप कहीं भी अनाज रखा हो तो वो वहां जाके खा लेंगे, तो यहाँ पे पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो फार्मर ने ग्रेन स्टोर करके रखा हुआ है उसको वहां जाकर के खाना मत, उसको स्टील मत करना, मतलब उसको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाना, ही हैज स्टैक्ड विद सो मच पेन, क्योंकि उसने जो ये अनाज इकट्ठा किया एक फार्मर जिसने, ठीक है, 6 महीने, ठीक है, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर जो भी मेहनत की है, ठीक है, फिर ये ग्रेन अनाज उगाया है उसको बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही पेन उसने फील किया है इस ग्रेन को कलेक्ट करने में, इतनी आसानी से ये अनाज नहीं उगाया है और इसको स्टोर इतनी आसानी से नहीं किया गया, इसमें एक फार्मर की, एक किसान की पूरी मेहनत है, ठीक है, ही हैज मेड अ ग्रेट एफर्ट, बहुत परिश्रम किया है उसने, ठीक है, यानी कि जो फार्मर्स होते हैं हमारे वो कितनी मेहनत करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में, अगर उनको उसी क्रॉप को जो जिसमें उन्होंने बहुत परिश्रम और मेहनत किया वो वेस्ट हो जाए तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी, तो पोएट यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं
ही हैज स्टैक्ड विद सो मच पेन, क्योंकि उसने अनाज को जो इकट्ठा किया, संग्रहित करके स्टोर करके रखा है, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है. ठीक है, इज दैट क्लियर? फिर अब हम लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं, थर्ड पैराग्राफ तक. किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक थर्ड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. मेक योर होल वेयर मोसेस स्प्रिंग. ठीक है, अपना जो होल है, बिल है, वो वहीं बनाना जहाँ पे तुम सेफ हो, जहाँ तुम्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो. अंडरनीथ द, कहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं, यानी सजेशन दे रहे हैं पोएट यहाँ पे, जो अलेक्जेंडर हैं, वो फील्ड माउस को यही सजेशन दे रहे हैं कि उस ओक ट्री के नीचे ही तुम अपना होल बना लेना. ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की नीड नहीं है. प्रीटी क्वाइट हार्मलेस है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचनी है. ठीक है, अगर वहाँ वो जाएंगे तो जाहिर सी बात है मार दिए जाएंगे. ठीक है, हो सकता है रैट किलिंग कोई मेडिसिन यूज करें. ठीक है, रैट किलें कोई भी उन्हें मेडिसिन दे के मारा जा सकता है. प्ले अबाउट द सनी मीडो, और इस जो घास का मैदान है, मीडो क्या होता है, ग्रास लैंड. मीडो की जो मीनिंग होती है, ग्रास लैंड यानी जहां घास का मैदान है, तुम वहां पे खेल लेना. ठीक है, और ओक ट्री के नीचे जो भी फल गिर रहे हैं उनको तुम खा के काम चला लेना. और कीप अवे फ्रॉम फॉर्म एंड हाउस, लेकिन घर से. ठीक है, किसी भी किसान के घर में ना जाना, कहीं अनाज चोरी मत करना. और जो कॉर्न है, यानी जो उन्होंने अनाज उगाया है, उससे तुम दूर रहना. ठीक है, देन यू विल बी सेफ, नन विल हार्म यू लिटिल माउस, तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा छोटे चूहे, ऐसा पोएट कह रहे हैं. एक बार फिर से समझ लीजिए लास्ट के टू पैराग्राफ. फील्ड माउस डू नॉट गो. ठीक है, यहाँ पे देखिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो फील्ड माउस के लिए सिंपैथी रख रहे हैं कि फील्ड माउस तुम कहीं ना जाना. वेयर द फार्मर स्टैक्स हिज ट्रेजर, जहाँ पे फार्मर अपने ट्रेजर को, खजाने को, खजाना क्या उनके लिए, अभी मैंने बताया ग्रेन क्रॉप, जो वो अनाज उगाते उसको स्टोर करके रखा है, इकट्ठा करके संग्रहित करके. फाइंड द नट दैट फॉल्स बिलो, जो नट नीचे गिर रहे हैं, नट मतलब क्या, जो उसके फल फूल नीचे गिर रहे हैं उनको खा के काम चला लेना. ईट द अकॉर्ड नेट योर प्लेजर, तुम अपनी संतुष्टि जितना मन चाहे उतना. ठीक है, ओक ट्री के नीचे जो ये फल गिर रहे हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक जितना भी आपको चाहिए आप खा लेना. बट यू मस्ट नॉट स्टील द ग्रेन, लेकिन आप, तुम्हें एक किसान का अनाज चोरी नहीं करना चाहिए. क्यों? ही हैज स्टैक्ड विद सो मच पेन, क्योंकि उसको उस अनाज उगाने में बहुत मेहनत लगी है. ठीक है, बहुत ही दर्द और तकलीफ के साथ उसने उस अनाज को उगाया, बहुत ही संघर्ष किया है. मेक योर होल वेयर मोसेस स्प्रिंग, ठीक है, जहाँ पे पेड़ पौधे हों उन्हीं के बीच में अपना बिल बना लेना अंडरनीथ इट, और स्पेशली उसी के छाओं में रहना. ठीक है, उस ओक ट्री के शेडो में तुम हमेशा सेफ हो, सुरक्षित हो. अंडरनीथ द टॉल ओक शेडो, उस टॉल ओक ट्री के शेडो में तुम बहुत सेफ हो. प्रिटी क्वाइट हार्मलेस थिंग, ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगी तुम्हें. प्ले अबाउट द सनी मीडो, तुम फ्रीली खेल सकते हो. यू आर नॉट बाउंड. कीप अवे फ्रॉम कॉर्न एंड हाउस, लेकिन फिर रिक्वेस्ट करता है कि तुम घर से और अनाज से दूर रहना. ठीक है, नन विल हार्म, जब तुम दूर रहोगे तो तुम्हें कोई भी किसी तरह की क्षति या नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा. ठीक है, लिटिल माउस, तो ये रिक्वेस्ट थी. समझ में आया? अब देखिए इसमें आपको वर्ड मीनिंग दिया है, ये सब इसमें कॉपी वर्क कुछ भी नहीं है. कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, समझ सकते हो ओरली. और देखिए ना, पोएट्री राइम स्कीम इज द पैटर्न इन विच वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड. ठीक है, व्हेन द गॉड एट फर्स्ट मैन मेड हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लैक. ठीक है, ए बी इस तरह से राइमिंग साउंड होती है. उसके बाद आपका इसमें जो एक्सरसाइज दिया है, गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोयम. ठीक है, जो पोयम में वर्ड यूज है इनका एंटोनिम आपको सर्च करना है. और ये आप आज कर लोगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी आंसर है वो आपको बता देंगे. इसके बाद जो आपको चैप्टर पढ़ना है, दैट इज द गिफ्ट ऑफ द मैगी. ठीक है, मैगी यहाँ पे बोले मैजाई भी बोलते हैं बहुत लोग इसको, बिकॉज जो प्रॉपर नाउन है उसकी प्रोनाउंसिएशन हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है उसका थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं. पोयम तो समझ में आ गई ना, पोयम में किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउन का क्या हो जाएगा, जैसे एंटोनियो डाउन का पूछे तो आप क्या रिप्लाई दोगे? डाउन का होगा आप सॉफ्ट का हार्ड. ठीक है, मैरी का, मैरी मतलब कोई बहुत खुश है.
ठीक है, तो अनहैप्पी कह सकते हो सैड, डार्क का ब्राइट, ओके, फॉलन का राइजन, प्लेजर का, प्लेजर है तो मतलब प्लेजर क्या खुशियां दिखाता है, ठीक है, सैडनेस प्रिटी अगली, क्वाइट कोई चीज शांत है, ठीक है, तो एग्रेसिव जो शांत नहीं है, हार्मलेस ठीक है जो चीजें हमें क्षति नहीं पहुंचाती, हार्मफुल हो जाएगा इसका अपोजिट, हार्म का क्या होगा नुकसान पहुंचाना, सेफ, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लिख लीजिएगा फिर कल इसको हम करवा देंगे द गिफ्ट ऑफ द मैगी। देखिए इसका रीड एंड एंजॉय इंट्रोडक्शन आपको शॉर्ट दे देते हैं, द गिफ्ट ऑफ, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है इसीलिए आज हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक दिन में फिनिश नहीं होगी, इसी वजह से हम थोड़ा सा आज स्टार्ट कर दे रहे हैं। यस, हार्मफुल, द गिफ्ट ऑफ द मैगी इज अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी है, रिटन बाई अमेरिकन राइटर, जिसको एक अमेरिकन राइटर ने लिखा है जिनका नाम क्या है, ओ हेनरी, हिज शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी है, किसने, हेनरी विट ने, ये अपनी बुद्धिमानी, ठीक है, लोगों तक जो नॉलेज पहुंचाते हैं उसके लिए जाने जाते हैं, गुड कैरेक्टराइजेशन एंड सरप्राइज, इनमें जो कैरेक्टराइजेशन होता है, जो चरित्र का, इसमें इन्होंने जो चरित्र का वो किया होता है प्रेजेंटेशन, वो बहुत ही गुड होता है, एंड सरप्राइज एंडिंग, और इसकी एंडिंग बिल्कुल सरप्राइज होती है, ठीक है, आश्चर्यजनक। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट अ पॉवर्टी स्ट्राइकिंग यंग कपल, ये जो स्टोरी एक ऐसे यंग कपल की है, एक ऐसे युवा जोड़ियों की है जो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे, कैसे, निर्धनता में, हु फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करते थे, व्हेन दे सीक्रेटली बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, यंग कपल थे जब एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते थे क्योंकि गरीबी में जीवन बिता रहे थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है विद वेरी लिटिल मनी, क्योंकि इनके पास गिफ्ट लाने के लिए जो रुपए होते हैं, ठीक है, वो अमाउंट बहुत ही कम होता है। व्हाट इज स्पेशल गिफ्ट अबाउट द गिफ्ट, अब गिफ्ट के बारे में क्या स्पेशल है, आर दे ट्रूली प्राइसलेस, क्या ये जो गिफ्ट है जिसकी बात यहाँ की जा रही है क्या ये अनमोल है, या हम इनकी कीमत लगा सकते हैं, लेट अस फाइंड आउट। जब आप स्टोरी पढ़ोगे जो गिफ्ट से रिलेटेड है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये गिफ्ट प्राइसलेस है या नहीं। $1.87 कितने रुपए थे, $1, ये जो करेंसी है फॉरेन कंट्रीज के 87 सेंट्स, इतना अमाउंट था 87 सेंट्स। कोशिश है आज स्टार्ट कर दिए तो कल स्टोरी कंप्लीट हो जाए। द $1.87 दैट वॉज ऑल, इतना अमाउंट था, एंड 60 सेंट ऑफ इट वॉज इन पेनीज, और जो 60 सेंट था वो फुटकर में था, पेनीज में था, पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट अ टाइम बाय बुलडोजिंग द ग्रॉसर, ठीक है, ये जो पेनी, ये जो एक एक पाई बचाई गई थी, ये कैसे, कभी कभी ग्रॉसर से या वेजिटेबल मैन से कम करा के, ठीक है, बारगेनिंग करके, एंड द बुचर, बुचर कौन होते, जो कसाई, अंटिल वंस चीक्स बर्न्ड विद द साइलेंट इम्पिटेशन एंड पार्सिमनी, ठीक है, तो ये जब तक इजाजत नहीं दी जाती थी, सजेस्ट इन दोष लगा के, ठीक है, एंड पारसी मनी, ये बचत कैसे की जाती थी, दैट सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड, जो ये डीलिंग करते थे सामान खरीदने में, उससे एक एक पाई कम करा करके बार्गेनिंग करके बचाते थे, 3 times डेला काउंटेड इट, तो इस अमाउंट को, कितना अमाउंट है अभी डेला के पास, कितना अमाउंट है देखिए, $1.87, इसी अमाउंट को इसने 3 times काउंट किया, कितनी बार, 3 times, $1.87, एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, अब अगले दिन क्रिसमस है और डेला के पास कितने रुपए हैं, $1.87, ठीक है, देयर वॉज क्लियरली नथिंग दैट डेला कुड डू टू एड टू दिस अमाउंट, अब कुछ भी ऐसा नहीं था, उसके पास जितने रुपए थे उसने सब काउंट कर लिया था, एक एक रुपए उसने काउंट कर लिया था, अब डेला के पास बिल्कुल कहीं से एक भी रुपए अलग से नहीं थे जो वो उसमें मिला सके, ठीक है, टू एड टू दिस अमाउंट टू ट्रांसलेट हर ड्रीम इन टू एक्शन, जिससे वो अपने सपने को, अपने ड्रीम को एक एक्शन दे सके, ठीक है, अपने सपने को वास्तविकता में परिवर्तित कर सके, सो शी स्टार्टेड क्राइंग नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इसलिए उसने रोना स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, ठीक है, डेला फिनिश्ड हर क्राई, फिर डेला अचानक से रोना बंद करती है एंड अटेंडेड टू हर चीक्स, ठीक है, फिर अपने गालों की तरफ जाती है, चीक्स पे विद द पाउडर रेड, ठीक है,
जो उस पे पाउडर लगा था. She stood by the window, वो खिड़की के पास खड़ी होती and looked out dully at a grey cat walking a grey fence. फिर किसको देखती है? ग्रे, ठीक है, एक ग्रे कैट होती है वो फेंस, यानी जो बाउंड्री है, जो ठीक है घेराबंदी की गई है, उससे वो मूव करती है इन अ ग्रे बैकयार्ड, पीछे की आंगन में जाती है. टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, और क्या सोचती है कि कल क्रिसमस है. एंड शी हैड ओनली $1, ठीक है, $1.87, ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया, टू बाई अ प्रेजेंट फॉर जिम, जिसमें वो जिम के लिए क्या खरीदने वाली है, प्रेजेंट गिफ्ट, और ये अमाउंट बहुत ही कम है. शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी, ठीक है, वो जितना एक एक पाई होता था वो बचा सकती थी, जितना उसने बचाया हर जिम, ठीक है, अपने जिम के लिए. मैनी अ हैप्पी आवर, ऐसे कई घंटे बीत गए. शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, क्योंकि उसने क्या प्लान किया था कि वो जिम के लिए कुछ बेहतर गिफ्ट क्रिसमस पे खरीदेगी, समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, ठीक है, कुछ बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, लेकिन शायद जो अमाउंट था वो सफिशियंट नहीं था. समथिंग लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्थी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय हिम, ठीक है, कुछ बेहतर वो करना चाहती थी जिससे कि उसके सम्मान में भी वृद्धि हो सके. तो ये पैराग्राफ है, अभी इसके आगे और भी पैराग्राफ है जिसको हम कंटिन्यू रखेंगे. अभी एक पैराग्राफ और एक्सप्लेन कर देते हैं. सडनली एन आइडिया स्ट्रक, फिर अचानक ही उसके माइंड में एक आइडिया, एक विचार आता है. हर आइज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी जो आइज थी वो बहुत ही ठीक है, उसमें एक चमक दिख रही थी. बट हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर, लेकिन उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे विद इन 20 सेकेंड में. क्यों? रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर, क्यों? क्योंकि उसने अपने बालों को देखा एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और ठीक है जो डेला थे उसके बाल बहुत ही खूबसूरत और घने थे. नाउ देयर वर टू पोजिशन ऑफ द जेम्स डिलिंगम यंग्स, जेम्स डिलिंगम यंग यानी जिम और डेला के दो ही पोजिशन थे जिसपे उनका अधिकार था. डेला की जो हेयर थे बहुत ही खूबसूरत, और जिम की एक वॉच थी जो उसको उसकी ग्रैंडफादर ने दिया था. उसको जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंडफादर्स, ठीक है, जिसपे किसका ओन था, किसकी बिलोंगिंग थी, इनके फादर और ग्रैंडफादर की, ठीक है. द अदर वॉज डेलाज हेयर, तो ये दो चीजें थी जिनपे वो पोजिशन शो करते थे. Had the queen of Sheba lived in the flat, जो शेबा की queen थी, across the air shaft, Della would have let her hair hang out, ठीक है, Della के बाल उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थे, जो वो शहजादी थी, ठीक है, day to dry, just to deprecate, ठीक है, सिर्फ request के लिए, her majesty jewels and gifts, और यही उनकी सबसे बड़े कीमत थी, ठीक है. तो ये वाली story यहीं पे आज end करते हैं, बाकी जो आगे होगा वो हम कल continue करेंगे. चेक करना था क्या भाई?